Assalamu alaikum students, this is Amadur Rahman. You all know that in the month of February we started chapter number 8 HTML, the language of web pages. We have discussed almost everything which is being discussed in this chapter. First of all, I told you that hypertext language is the scripting language that is used to design a web page. We also have discussed the interface of how we create a code or script it on any kind of software. We usually script on a notepad. How to open notepad? Just click on all program accessories or select notepad. Once it is opened, you can script your code. This is called a code. We script it and we save it with the extension of .html or .htm. Save it, click on save. It is saved. How you can open it? In a Google Chrome, aap jab ek web page सेव कर लोगे कि उसको खोलोगे कैसे, उसको देखोगे कैसे, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है. जस्ट क्लिक ऑन फाइल, देन क्लिक ऑन ओपन फाइल. दैट विल बी शोन, दैट विल शो अ डायलॉग बॉक्स फ्रॉम यू कैन सर्च अ रूट फोल्डर एंड देन यू कैन ओपन इट. सो दीज ऑल थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड टूडे, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस is HTML tags. What is tag? HTML में जब script करते हैं we use these kind of symbols. हर language को लिखने का पढ़ने का एक तरीका होता है. Every language has their own characters on which we understand the kind of language and the syntax. In HTML we use this greater than less than sign, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा maths में. इस तरह के symbols हम use करते हैं और उससे हम क्रिएट करते हैं HTML टैग. ओके, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ टैग्स इन HTML स्क्रिप्टिंग. वन इज कंटेनर एलिमेंट एंड सेकंड इज एम्प्टी एलिमेंट. व्हाट इज कंटेनर एलिमेंट? दे हैव स्टार्टिंग एज वेल एज क्लोजिंग टैग्स. दे हैव ओनली स्टार्टिंग टैग एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट्स में. स्टार्टिंग टैग क्या होता है, ओपनिंग टैग क्या होता है? ये है आपका स्टार्टिंग टैग, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड ओपनिंग टैग. एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड इन स्टार्टिंग एंड ओपनिंग कंटेनर टैग. कुछ टैग्स हैं जिनमें जिनको हम ओपन करते हैं और वो वहीं पर उसका काम खत्म हो जाता है. वी डू नॉट क्लोज इट, सो दैट इज कॉल्ड अ क्लोजिंग टैग, सॉरी एम्प्टी टैग. अच्छा, HTML हैज़ देयर ओन एलिमेंट्स. अब उन टैग्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम अपने HTML के इंटरफेस को, HTML के डिज़ाइन को क्रिएटिव और आई कैचिंग बनाने के लिए, हम उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. वी हैव दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स. सो लाइक यू कैन सी हेयर, यहाँ पे HTML का कोड ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है. सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं. अब ये रूल है HTML का, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते, आप ओपन करते हो लेकिन क्लोज नहीं करते और आप अपना पूरा कोड कर देते हो, जब आप उसका रिजल्ट देखोगे तो ब्राउज़र पे एरर आ जाएगा, कुछ भी शो नहीं होगा जब आप डिज़ाइन करोगे अपने वेब पेज को. तो अगर इफ़ यू वॉन्ट कि आपका टैग ख़राब ना हो, सो यू हैव टू ओपन इट एंड क्लोज इट एज विद द अकॉर्डिंग टू इट्स सिंटेक्स. टाइटल का टैग है, हेड है. अब ये जो टाइटल है वो हेड के अंदर आता है. अगर हमने टाइटल हेड के बाहर लिखा तो आपका कोड काम नहीं करेगा, आपके टाइटल पे कुछ नहीं आएगा. अब ये हेड जो है, हेडर बनाने के लिए व्हेन यू मेक अ वेब पेज, तो आपको हेडर बनाने में ये यूज़ होता है. लाइक दिस इज़ द हेडर,
सो वी आर यूजिंग इट. ये जो शो हुआ है किसकी वजह से हुआ है कि हमने अपनी स्क्रिप्ट में जब नोट पैड पर हमने हैडर के लिए HTML का कोड स्क्रिप्ट किया था तो हमने हैडर इस तरह का डाला था, तो हैडर में ये लिखा हुआ है. ठीक है, अब टाइटल हैडर में आता है तो जो टैब के ऊपर जब आप ब्राउजर के ऊपर कोई भी टैब ओपन करते हो तो टैब ओपन करने के बाद इट इज शोन. सो वट एवर इज शोन इन दैट टैब टाइटल दैट इज दैट कम्स इन दिस टैग. ये टाइटल के टैग के दरमियान में जो कुछ लिखा है, यहाँ पे एक एग्जांपल है वो मैं दिखाता हूँ आपको. हेयर इज द कोड. तो HTML शुरू हो रहा है, HTML के बाद हेडर में इसमें हेडर नहीं लगा हुआ है, सिंपल कोड है. अगर मैं इसमें मैं आई एम राइटिंग हेयर, अगर इसके बाद मैं कोड करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हेड और फिर यहाँ पे लिखा मैंने टाइटल. हेड भी ओपन किया है, टाइटल भी ओपन किया है. टाइटल के बाद अगर मैं लिखूँगा DSS, ठीक है, DSS के बाद मैंने यहाँ टाइटल क्लोज किया. इसके बाद अच्छा ये एक लाइन चल रही है यहाँ पे मेरे पास भी, आई डू नॉट हैव स्पेस तो मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ. उसके बाद मैं हेड को भी क्लोज कर रहा हूँ. लाइक लुक एट हेयर, लुक एट हेयर, यहाँ पे मैंने इन दोनों साइंस की मदद से इसको क्लोज किया क्योंकि इसके सिंटैक्स में ओपनिंग टैग में हमने कुछ नहीं लगाया इस तरह का. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ टाइटल ऑफ आर वेब पेज. हेडर में आपको टाइटल नजर आ जाएगा. एंड वी ऑल्सो हैव वन एलिमेंट फॉन्ट. लुक एट हेयर, अगर वेब पेज पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल्स फॉन्ट फेसेस नजर आते हैं, यहाँ पे देखिए कि हर लाइन का अलग फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट कलर है, तो दिस कैन बी ऑल्सो गिवन बाय फॉन्ट टैग. आपके बुक में बहुत सारे कलर्स मेंशन हुए हैं दैट वी यूज इन HTML. ठीक है, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर. आप फॉन्ट, अगर आप कोई हेडिंग डाल रहे हो, आपने फॉन्ट का टैग शुरू किया, आपने फॉन्ट का टैग शुरू किया, लिखा हुआ है फॉन्ट, फॉन्ट लिखा हुआ है. ठीक है, अब फॉन्ट क्या है कि बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और लग सकते हैं, उसका साइज आप सेट कर सकते हो. यू कैन सेट द हाइट, द कलर, द फॉन्ट स्टाइल, यू कैन सेट एवरीथिंग. फिर अच्छा ये फॉन्ट का जो टैग है, फोन का टैग यहाँ पे ओपन किया था, ओपनिंग टैग में ही ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी इज इक्वल और इन्वर्टेड कॉमास के जरिए. ठीक है, वो उसके एग्जांपल क्या है वो बुक से आप हेल्प ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल देयर आर मेंशन, तो यू कैन हेल्प फ्रॉम दिस. और अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोन को मैंने क्लोज कर दिया. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन चेंज द फोन साइज, फोन स्टाइल एंड फोन कलर एज वेल विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्टिंग रूल्स. आप HTML में फॉन्ट को भी, फॉन्ट टैग भी लगा सकते हो. फॉन्ट जो कुछ आपने लिखा हुआ दैट इज कॉल्ड फॉन्ट. एंड क्लास दिस इज योर असाइनमेंट, यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स एंड दीज ट्रू फॉल्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. इफ यू हैवंट गेट इट क्लियरली, गॉट इट क्लियरली, just watch this video lecture twice or thrice, or and just read your book thoroughly. बहुत help करेगी आपको. और I want के आप लोग practically computer में notepad खोलें, उसमें simple सा ये code लिखें जो मैंने एक example दी थी आपको. ठीक है, code लिखने के बाद save करवाएं उसको HTML की extension के साथ. देन उसको फिर क्लिक करेंगे तो वो ब्राउजर पे जाके खुलेगा, देन आप उसका रिजल्ट देखेगा, उसका क्या रिजल्ट आता है. सो दिस इज व्हाट वी हैड फॉर टुडेज क्लास एंड दिस इज योर असाइनमेंट एंड होम टास्क. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.